इंटरनेट और सोशल मीडिया का हमारे बच्चों, हमारे छात्रों पर कितना गंभीर असर पड़ रहा है, इस पर हम सभी को चर्चा करते रहना चाहिए। कोविड लॉकडाउन ने बच्चों की पढ़ाई को टेक्नोलॉजी पर निर्भर बना दिया था, इसलिए सरकार ने भी पहल कर बच्चों तक टैबलेट्स और कंप्यूटर पहुंचाए। लेकिन हरियाणा की ये खास रिपोर्ट बता रही है कि अब वहां बांटे गए टैब्स का छात्र गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। माता पिता कह रहे हैं कि सरकार ये टैबलेट्स अब वापस ले ले तो बेहतर होगा। कोरोना संकट के दौरान सरकारी स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई के लिए हरियाणा सरकार ने मुफ्त में टैबलेट बांटे। लक्ष्य था स्कूल बंद होने के बावजूद 8वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई चलती रहे, लेकिन नतीजे उम्मीद से उलट दिख रहे हैं, जिससे बच्चे, परिजन और शिक्षक सब चिंता में हैं। हरियाणा सरकार ने 2022 में 620 करोड़ की लागत से ई अधिगम योजना लागू की थी। इसके तहत राज्य में 10वीं से 12वीं तक के स्कूली छात्रों को 5 लाख से ज्यादा टैबलेट बांटे गए। इनमें पहले से ही पढ़ाई का सॉफ्टवेयर और विषयों से जुड़ी पाठ्य सामग्री डाली गई और सिम कार्ड के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराया गया। 3300 से ज्यादा स्कूलों के 30,000 शिक्षकों को भी ये डिवाइस बांटे गए। ऐसे ही टैब्स को लेकर इन दिनों स्कूली शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्कूलों में ऑफलाइन क्लास काफी पहले शुरू हो चुकी हैं, लेकिन क्लास में पढ़ाई के दौरान बच्चे टैबलेट्स का दुरुपयोग कर रहे हैं। शिक्षकों की शिकायत है कि बच्चे टैब में ऑनलाइन पोर्न साइट से लेकर सोशल मीडिया तक का इस्तेमाल कर रहे हैं। खुद बच्चों के परिजन इससे परेशान हैं और शिक्षकों से शिकायत कर रहे हैं। सरकार द्वारा बनाई गई यह योजना वैसे तो सराहनीय है, पर यह सहायक सिद्ध न होकर नुकसानदायक हो गई है, क्योंकि बच्चा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का ज़्यादा प्रयोग कर रहा है, क्योंकि उसके हाथ में वो चीज़ आ चुकी है जो चीज़ माता पिता आसानी से देते नहीं थे। अब हर बच्चे के पास है, उसमें 2 GB का डाटा है पर डे यूज़ करने के लिए। बच्चा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और दूसरी गलत चीज़ों को में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहा है। ये मुद्दा इतना तूल पकड़ चुका है कि कई जिलों में ग्राम पंचायतें भी सरकार को लिखित आग्रह कर चुकी हैं कि वो इन टैबलेट्स को वापस लें, लेकिन हर छात्र इनका दुरुपयोग नहीं करता, कई इनका इस्तेमाल पढ़ाई में कर रहे हैं। दिव्यांशी जैसी कई छात्राएं फिर भी इन टैब्स का विरोध कर रही हैं और उनके अपने अपने डर हैं। बच्चे है ना, तो वो फिर दोबारा डलवा लेती है कई, और इससे अच्छा तो टैब वापस ले लो। फायदा भी है इसका, अगर सही ढंग से यूज करोगे तो फायदा है, और गलत तरीके से करोगे तो मिसयूज है। हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर का कहना है कि गरीब बच्चों की शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए ऐसे टैबलेट जरूरी हैं, लेकिन जो बच्चे टैब्स का दुरुपयोग कर रहे हैं उनसे टैब वापस लिए जाएंगे। हालांकि अभी तक ऐसा कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। तो ये संख्या कोई बहुत बड़ी नहीं है, 1% से भी कम संख्या है, लेकिन फिर भी हमने उस पर संज्ञान लेते हैं। कल हमने बैठक ली थी और हमने निर्णय लिया उस पर, ताकि आगे और बच्चे इस प्रकार का ना करें। तो हमने कहा कि जो भी बच्चा इस प्रकार का करेगा, उस लोग सिस्टम को तोड़ेगा अगर कोई बच्चा, तो हम उसे टेबलेट वापस लेंगे। उधर आम आदमी पार्टी एक अलग ही आरोप लगा रही है। उसका कहना है कि सस्ते सॉफ्टवेयर वाले ये टैब्स सुरक्षा की दृष्टि से एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए खरीदे गए थे। आपको सॉफ्टवेयर खरीदने थे, किसी की कमाई करानी थी, तो आपने अंधाधुंध तरीके से खरीद के बांट दिए। अब उसकी जिम्मेदारी लेने से शिक्षा मंत्री भाग रहे हैं, सरकार भाग रही है। ये सरासर हरियाणा सरकार की शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि अगर कोई वो इक्विपमेंट इस्तेमाल करने के लिए बच्चों को देते हैं तो उसमें तमाम सावधानियां बरती गई हैं या नहीं, अच्छे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, ये देखना सरकार की जिम्मेदारी है। आपका आरोप अपनी जगह है, लेकिन टैबलेट्स का छात्रों द्वारा दुरुपयोग की शिकायत निश्चित ही गंभीर बात है, जिसका असर उनके भविष्य पर पड़ सकता है। कैथल से सुनील रवीश के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।
बच्चों के हाथों में टैब और मोबाइल की सहूलियत उन्हें गलत दिशा पर आगे बढ़ा रही है। आंकड़े बता रहे हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद भारत में 13 साल से बच्चे अडल्ट कंटेंट देखने लगते हैं, जो कि उनके मानसिक विकास को दूषित कर रहा है। ऐसे में जरूरी है कि घर और स्कूल में खुलकर बात हो, सेक्स एजुकेशन और अवेयरनेस पर चर्चा पढ़ाई के साथ साथ एक उम्र के बाद दोनों जगहों पर होती रहे तो बच्चों के लिए अच्छा होगा।